नमस्कार, आप देख रहे हैं इंसाफ की आवाज। मैं पूनम हाजिर हूँ एक नई खबर के साथ। बालूबासा के रहने वाले निर्मल मुखी ने रविवार को दोपहर 3 बजे अपनी गर्भवती पत्नी गुड्डी मुखी को MGM अस्पताल में भर्ती करवाया था, लेकिन सोमवार की सुबह 5:30 से 6 के बीच जच्चा बच्चा दोनों की मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया। परिजनों का आरोप है कि गर्भवती गुड्डी मुखी रात भर कराहती रही, लेकिन वहां मौजूद डॉक्टर और नर्स मोबाइल में व्यस्त रहे। जब भी परिजन उन्हें मरीज की स्थिति के बारे में बताने की कोशिश करते तो उन्हें डांटकर भगा दिया जा रहा था और कहते थे कि ब्लड लाकर दो, नहीं तो हम लोग रिस्क नहीं लेंगे। जिसके बाद सवेरे 5:30 बजे डिलीवरी में बच्चे की मौत होने की जानकारी परिजनों को दी। आधे घंटे बाद 6 बजे माँ गुड्डी की भी मौत हो गई। जच्चा बच्चा की मौत की जिम्मेदार परिजनों ने डॉक्टर और नर्स पर लगाते हुए बताया कि रात 3 बजे जब गुड्डी की तबीयत ज़्यादा बिगड़ी थी, अगर उसी समय डॉक्टर उसका इलाज करते तो जच्चा बच्चा दोनों आज दुनिया में होते, लेकिन उन लोगों ने मोबाइल में ही व्यस्त रहना उचित समझा, जिसके कारण यह घटना घटी है। घटना के बाद परिजनों के साथ बस्ती वासियों ने अस्पताल में जमकर हंगामा करते हुए अस्पताल की कुव्यवस्था में सुधार करने सहित दोषी डॉक्टरों पर कार्रवाई करने की मांग की है। इधर इस मामले में MGM अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर संजय कुमार ने कहा कि घटना की जानकारी उन्हें मिली है, जल्द ही इस मामले में जांच करते हुए जो भी दोषी होंगे उन पर विभागीय कार्रवाई की जाएगी। 3 बजे एडमिट करवाया गुड्डी मुखी को, मेरा वाइफ, अच्छा, मेरा नाम विमल मुखी है। अच्छा। मेरे को बोला गया कि तुम्हारे वाइफ गुड्डी मुखी को ब्लड नहीं है, तो ब्लड अरेंज करो। ये मेरा भाई, मेरा मामा का बेटा, ये मेरे को बोला कि हम ब्लड देंगे। तो हम सोचे कि मेरा रहते हुए मेरा खुद का ब्लड मेरा वाइफ को क्यों नहीं दे, तो हम अपना ब्लड सर ये देखे, हम दिए ब्लड ला के दिए। फिर मेरे को सुई बोला, वो ला के दिए इंजेक्शन, वो बोला। फिर उसके बाद मेरा वाइफ उल्टी करने लगी, 3-4 बार उल्टी की, तो हम जाके और मेरी जो वाइफ की बड़ी दीदी है वो अब मेरी खुद की बहन, वो लोग जाके बोली कि ऐसा ऐसा बात है, नर्स को बोली, डॉक्टर को बोली, तो ये लोग बोलता थोड़ा टहलने दो ना, टहलने दो, टहलने दो। एक आया थी वो बोली कि टहलने दो। फिर उसको लगा बाथरूम पेशाब करने गई, फिर उसके बाद उसको लैट्रिन लगा, वो लैट्रिन करने गई, फिर आई, फिर इतना उल्टी, और उल्टी करते करते वहाँ पे बेहोश हो गई। बेहोश होने के बाद हम लोग फिर दौड़ के गए, तो वो एक थी पता नहीं नर्स लोग, वो लोग मोबाइल चला रही है, और एक मुस्लिम डॉक्टर नहीं थी, यंग थी वो, जवान लड़की, वो दूसरे कोने वाले रूम पे बैठी हुई, अरे कुछ नहीं होगा, वो ठीक हो जाए। मेरा बच्चा, मेरा वाइफ बोले जा रही है कि मेरा बच्चा एक तरफ ही है, एक साइड ही खेल रहा है, उसको छू के थोड़ा देखिए, महसूस कीजिए, और रो रो के रात, मतलब हम लोग पूरा सुबह पार कर दिए वहाँ पर। सुबह 5:30 बजे मेरा बच्चा हुआ, बच्चा होने के बाद बच्चा को बोलता है कि तुम्हारा बच्चा मर गया, तुम्हारा बच्चा इस दुनिया में नहीं है। तो फिर हम चले आए सर, हम अपने वाइफ को देखने, हम आ रहे हैं ये नीचे वाला बिल्डिंग से, फिर ऊपर तला 2 तल्ला में गए, वहाँ जाते जाते देख रहे हैं मेरा वाइफ को इतना ब्लड, मतलब कपड़ा वाला फेंक रहा है। तो हम बोले ये क्या कर रहे हैं आप लोग, बोलता ब्लड निकल रहा है, आपका वाइफ ये दुनिया में नहीं है। और नर्स और जो यहाँ का स्टाफ है, मेरे को पूरा यही लोगों के ऊपर शक है सर, मेरा वाइफ का और मेरा बच्चा का आज नहीं होने का कारण यही पूरा हॉस्पिटल पूरा जिम्मेवार है सर। एक आई मैडम, उनको हम बोले तो वो मेरा बात तक सुनने को तैयार नहीं है, बोलती अब क्या करेंगे आप लोगों को, ये करने वो करने, बोले कुछ नहीं बोला गया सर। वाइफ का नाम गुड्डी मुखी, कहाँ से थे आप लोग? गुड्डी मुखी, हम बालूबासा में रहते हैं, बालूबासा। आपका क्या नाम है? विमल मुखी। पेन हो रहा था, दर्द हो रहा था, इन लोग बोला कि अभी बच्चा का रास्ता नहीं खुला है, बोला रात भर सर उसका ब्लड गया, खून गया, इतना उल्टी हुआ, इन लोग थोड़ा भी टच किया नहीं, छुआ भी नहीं, एकदम नहीं छुआ, सब रात भर सो के मोबाइल में बात कर रहा, बुला रहा, तो उल्टा भगा दे रहा, हम लोग को गाली दे के डांट के भगा दे रहा। आप लोग क्या जानते हैं, जो हम लोग को सिखाने, हम लोग सिस्टर डॉक्टर भी था सर, उन लोगों का नाम हम नहीं जानते हैं, हम लोग ऐसे किया, हम लोग रात भर भगा दिया, दरअसल चटपटा जब पूरा रोड में, मतलब वहाँ जहाँ खड़ी थी बाहर में, वहाँ पे भी पूरा ब्लड उसका बह जाता, पूरा 90 उटी में हर चीज में, हम लोग थोड़ा भी सर उस लोग को छुआ नहीं,
बच्चा को तो नहीं पूछा मतलब माँ को तो एक करना चाहिए, ऊपर से बोल रहा है कि यहाँ पे ब्लड लो, हम लोग कोई रिस्क लेना नहीं चाहते हैं, रिस्क ही नहीं लिया भैया, क्या करेंगे, रिस्क लेना नहीं चाहते हैं बोल के बोल रहे हैं हम लोग, क्या होगा क्या ना, कोई मतलब नहीं बोल के डॉक्टर लोग ऐसे करके बोला, थोड़ा भी सर छुआ नहीं, इतना बदमाश डॉक्टर साहब, जब नहीं सकता तो बोल देता सर कि हम लोग नहीं सकेंगे, मोबाइल में बात कर रहा है, सो जा रहा आराम से, लेकिन छुआ तक नहीं पेशेंट को, और डायरेक्ट बोल रहा है कि हम लोग ब्लड आप लोगों को देना पड़ेगा, ब्लड जमा कीजिए, हम लोग कोई लापरवाही हम लोग मतलब कुछ भी होगा कोई रिस्क नहीं है बोल के डायरेक्ट ऐसे करके हम लोग को मतलब डिलीवरी हुई थी जैसा जानकारी मैंने प्राप्त किया, तो डिलीवरी के बाद बच्चा तो एसोसिएटेड था, डेथ कर गया था तुरंत ही, और माँ का भी डेथ होने के कारण इन लोगों को, तो मैंने बोला कि ठीक है इसमें वार्ड में शिफ्ट होगी, तो जो भी इसमें दोषी होंगे जांच कराई जाए कराएंगे, जो भी दोषी होंगे उस पर कार्रवाई की जाएगी। अभी के लिए बस इतना ही, दिन भर की ताजा अपडेट के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें।